एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक शेरगढ़ में स्थित पियोधा गांव पहुंचा। लगभग 4200 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर व ब्लॉक से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान में गांव के प्रधान महेंद्र पाल सिंह के द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 1975 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में लगभग 400 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 360 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। मैं सत्यपाल सिंह, प्राथमिक विद्यालय बंदा में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और यह स्कूल बहुत तरक्की कर रहा है। हमारा स्कूल खेलों में भी स्टेट लेवल पर नाम रोशन कर चुका है और इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है। जब से पूरा स्टाफ सहयोग कर रहा है, तीन साल में जो हो गए हैं, तब से बहुत नाम इस स्कूल ने कमाया है। हर साल स्टेट लेवल पर हमारी प्रतीक्षा है लड़की कक्षा 5 की और विनीता निकल गई है, कक्षा 6-7 में पहुंच गई है। इन्होंने स्टेट लेवल पर हमारे स्कूल का, गांव का, अपना नाम का परचम लहराया है और हमारे यहाँ रोज़ाना मिड डे मील बड़े बेहतरीन तरीके से बनता है। यहाँ का स्टाफ, प्रधान जी आदि चेक करते हैं। बच्चों की उपस्थिति नियर अबाउट 75% पर डे होती है। स्कूल के बच्चों ने प्रतीक्षा है और दूसरी विनीता है, इन्होंने खेलों में बहुत बड़ा नाम किया है, अपने स्कूल का नाम किया है, गांव का नाम किया है, ब्लॉक का नाम किया है और अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर ये विभिन्न प्रकार के पुरस्कार, विभिन्न प्रकार की शील्ड और एक साइकिल भी जीत कर लाई हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 32 हैंडपंप लगवाए गए हैं। साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 30 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर, 42 स्ट्रीट लाइट व 17 सोलर लाइट भी लगवाई गई हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, प्राइमरी विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल में मरम्मत कार्य, पानी निकासी के लिए नाली, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 350 इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, खेल का मैदान, बारात घर, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, इंटर कॉलेज, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान महेंद्र पाल सिंह, मेरा नाम है और पहले भी मैं प्रधान रहा। हमने इस समय जो काम कराए अपने गांव में, जैसे नदी पे ढाल पे कराया, वहाँ बहुत 10 फीट गहरा गड्ढा था जहाँ ढल पे पड़ जाती, आदमी मरने से बचता था। वो सीसी वहाँ डाला थी, कुछ खड़ंजा, क्योंकि ढाल पे सीसी कराई थी और इधर को खड़ंजा हमने 25 साल पहले डलवाया था जब निवासी में प्रधान बने, तो रह 24-25 साल हो गए, उसके बाद मैंने यही सही कराए। हम जो भी काम कराते हैं, अब गाँव में हमारे बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत पहले लोगों ने काम कराया तो वो जहाँ कराया नाम मात्र काम कराया भाई जी ख़राब कर दिया। अब आपको मैंने वहाँ दिखाया कि काफ़ी ऊंचाई लेके तब हम सीसी डालेंगे, तो मिट्टी काफ़ी पड़ रही है वहाँ, फिर और ज़्यादा 1.5-2 फीट मिट्टी पड़ रही है। तो मैं जो काम कराता हूँ वो अच्छे से कराता हूँ और ये मेरी धारणा है। हमारे गाँव में अभी इस समय कम से कम 25-30 आवास हैं, जोड़ते हैं। शौचालय हमारे आए हैं 354, अभी पैसा नहीं आया है खाते में, अब वो भी कराने हैं। बाकी हमारा गांव ऐसा है कि ये टूटे फूटे रास्ते हैं, खड़ंजा हैं तो वहाँ नालियाँ टूटी हुई हैं, बाकी सब जगह जगह टूटे हुए पानी भर रहा है, तो वो ऊँचे करके काम कराया नहीं अच्छे से। तो मैं ये सोच रहा हूँ जहाँ यहाँ सीसी पड़ जाएगी, पैसे का वहाँ में ये काम नहीं हो रहा है, पैसा ज़्यादा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम करा दूँ। सीसी कम से कम 2500 मीटर हमें चाहिए, 2500 मीटर हो तो मेन हमारे शहर, क्योंकि गाँव बड़ा है तो मेन शहर हमारे हो जाएंगे उसमें, और बाकी छोटे मोटे से गलियां हैं उनमें खड़ंजा पड़ जाएगा, तो मैं शहर जहाँ डल्ले वगैरह जाते हैं। एक हमारे गांव में एक रास्ता है बीच में, वो नाला है तो वहाँ पानी भरता है आगे को, वो भी साफ़ कराना है, बल्कि इतना पैसा है जो हम उसकी पक्का नाला बना दें। अब पैसा नहीं है तो हम कहाँ से करें, क्योंकि पूरे गाँव में पानी भरता है उसका, आगे निकास नहीं है, गंदा नाला है तो वहाँ घास फूस और ये बगल जमाता है, तो पानी का निकास अवरुद्ध हो जाता है, वो बहुत मेन जरूरी है। हमारे गांव में बिजली की व्यवस्था ये है कि चारों
मैं 89 प्रधान रहा तब मैं ये बत्ती लाया, तब से पोल टूट गया तो वहाँ जो नक्शा में बोलते वो ही बोल रहे हैं। और अभी मैं कल मिल के आया हूँ अवर एवं साहब से, तो वो भी कह रहे हैं मैं आपको सर्वे कराऊँगा अप्रैल में, 15 अप्रैल के बाद आपका सर्वे करवा दूँगा। 70 पोल का आवश्यकता है, जबकि सीलर से लाइन आई है वो भी टूटी हुई है, जर्जरा में तार लटक रहे हैं, कहीं दुर्घटना होने का खतरा रहता है। और हमारे यही हालात गांव में है, बहुत बहुत दूरी पर खंभा है, तो मैंने वहाँ अवर अवंसार साहब उन्हें बताया कि साहब हमारे खंभे करीब करीब लगाए जाएँ, और जो लाइन है 100 मीटर केबल डाल रहे हैं 150 मीटर हैं, तो लोगों को 50-60 मीटर पर पोल लग जाएँ, वो अपने बत्ती चलाएँ, क्योंकि कनेक्शन भी काफ़ी हुआ है। और हमारा ये पंचायत घर है वो भी चढ़ जाए में गिरता हुआ है वो बिल्कुल, और उपस्वास केंद्र है वो ऐसी का बना है वहाँ वो कंडम हो गया, कभी कोई उसमें कोई स्वास्थ्य सेवाएँ चली नहीं। अब हमारे यहाँ एन एम है, आशा है या आंगनबाड़ी है, तो वो यहाँ बैठ के अपने टीकाकरण बाहर करती हैं, जबकि उसके लिए कोई आंगनबाड़ी कक्ष भी एक अलग नहीं है, स्कूल में एक वो है, एक आंगनबाड़ी केंद्र भी चाहिए, पंचायत घर चाहिए, एक बरात घर भी, क्योंकि अब स्कूलों में बरात रुकनी नहीं है क्योंकि डी एम साहब ने मना कर दिया है। अब उसके लिए पंचायत घर जब बरात रुकेंगे तो उसके लिए जगह हमारे पास है, पंचायत घर की बहुत ज़रूरत है। दूसरा एक हमारे यहाँ स्कूल की ज़मीन है और शासन की बनता है 3-4 एकड़ से ऊपर हो तो वहाँ पर वो बन स्टेडियम बन जाए, तो स्टेडियम के लिए हमने प्रस्ताव भी कर दिया है, 3-4 एकड़ बल्कि 5 एकड़ ज़मीन है, सड़क से रोड के बराबर ही सटी हुई है इस तरफ और उस तरफ दोनों, तो एक तरफ है 3.5-4 एकड़ और एक तरफ है 1.5 एकड़, 5 एकड़ जगह है उसका प्रस्ताव भी कर दिया है। और हमारे यहाँ खिलाड़ी जो हैं बच्चे वो तो स्टेट लेवल तक खेले आए हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं हमारे क्षेत्र के और बच्चे हैं, तो मैं ये सोचता हूँ ठाकुर चेतर सिंह ने ज़मीन दान में दी थी, ठाकुर चेतर सिंह है 64 बीघा, उन्हीं की जगह है और ज़मीन है जिसमें विद्यालय है, तो उन्हीं के नाम से वो उसका स्टेडियम बने, हमारे स्कूल का पैसा बढ़ाए, वो तो मास्टर साहब जैसे मालूम नहीं मालूम है 12-13 लाख पड़ा हुआ है, वो लग गया तो हमारा इंग्लिश मीडियम में स्कूल आ गया है वो भी अच्छा बन जाएगा। हम तो सरकार से ये चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है स्कूल के लिए कृषि फंड का मिल जाए और बाकी विकास कार्य के लिए हमारी सरकार से, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करा सकें। मैं भी ये नियत रखता हूँ कि नालियाँ और खड़ा जब ऊँचे बनेंगे तभी टिकाऊ होंगे, और वैसे नीचे बनेंगे क्योंकि पहले लोग काम कराते थे तो उन्होंने जैसा काम कराया लोट पर लिखी अपने पैसा बर्बाद कर दिया, और मैंने जो काम कराया आपको दिखाया और अभी मैंने जो काम किया है सब ऊंचे ही कराया, क्योंकि ऊंचा खरंजा टिकता है।